हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस होम डिजाइन के फिर से एक वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 36 फीट 6 इंच बाई 31 फीट का घर का डिजाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है उसका नक्शा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3D दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पे इसका 3D दिख रहा है। सामने से किस तरह का डिजाइन है, इसका साइड से किस तरह का डिजाइन है, उसके अंदर में क्या क्या हमने दिया है वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं देखना चाहते हैं तो छोटी सी वीडियो है तो पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसका फ्रंट का डिज़ाइन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट का डिज़ाइन यहाँ पे किस तरह का किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसका साइड का भी डिज़ाइन देख लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर में क्या क्या है वो 3D टॉप व्यू में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका नक्शा देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये है उसका 3D में टॉप व्यू। यहाँ पे आपको दिख जाएगा किधर बेडरूम है, किधर किचन है, किधर टॉयलेट बाथरूम। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सामने। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सामने एक बरामदा दिया गया है, उसके सामने यहाँ पे एक गेस्ट रूम हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डोर, इस डोर से अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद यहाँ पे एक डाइनिंग हॉल मिल जाता है। डाइनिंग हॉल के सामने एक सीढ़ी है, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इधर एक बेडरूम है, और इस बेडरूम के सामने यहाँ पे एक पूजा रूम दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इधर एक बेडरूम है, यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, इसके बीच में वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे एक किचन है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है उसका नक्शा। यहाँ पे ये नक्शा जो बनाया गया है ये ग्राउंड फ्लोर का है, ईस्ट फेसिंग, और यहाँ पे सामने रोड है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसका मेन डोर हो जाता है। मेन डोर से जैसे ही अंदर आते हैं तो सामने एक बरामदा दिया गया है, 12 फीट 4 इंच बाई 9 फीट का यहाँ पे बरामदा है। बरामदे से ही एक गेस्ट रूम दिया गया है जिसका साइज यहाँ पे 10 फीट बाई 11 फीट 6 इंच का दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बरामदे से इस डोर से अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे डाइनिंग हॉल मिल जाता है, ठीक है। डाइनिंग टेबल वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं जैसा कि हमने 3D में दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग हॉल में ही यहाँ पे एक सीढ़ी दिया गया है, देख सकते हैं ऐसे करके आएंगे और ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। ये जो सीढ़ी का स्टेप है 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सीढ़ी के इस साइड में और इस साइड में यहाँ पे देख सकते हैं बेडरूम दिया गया है 12 फीट बाई 10 फीट का। ये बेडरूम भी 12 बाई 10 का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम दिया गया है जिसका साइज 7 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किचन दिया गया है 12 फीट बाई 9 फीट का, और यहाँ पे एक पूजा रूम दिया गया है जिसका साइज है 5 फीट बाई 4 फीट का। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो नक्शा बनाया गया है वास्तु के हिसाब से है। यहाँ पे देख सकते हैं इधर ईस्ट है, पीछे वेस्ट, इधर साउथ, इधर नॉर्थ। तो ये साउथ और ईस्ट का कॉर्नर में यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे अग्नि कोण में यहाँ पे हमने किचन दिया है, और इधर तो यहाँ पे पूजा नहीं दे पाए क्योंकि यहाँ पे गेस्ट रूम बना है, तो इसीलिए इस साइड में यहाँ पे पूजा रूम दे दिए हैं। तो ईशान कोण इधर पड़ता है तो इस साइड में भी दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। और यहाँ पे जो सीढ़ी बनाए हैं तो सीढ़ी भी वेस्ट का सेंटर में दिए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे सीढ़ी भी वास्तु के हिसाब से सही है। तो इस तरह से आपने देख लिया, कैसा लगा नक्शा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।